भारत के गद्दारों का अब देश की खुफिया एजेंसी रो गिन गिन कर हिसाब कर रही है। 13,500 करोड़ के पीएनबी बैंक के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने 2017 में भारत से भागकर एंटीगा की नागरिकता ले ली थी, ये सोचकर कि अब वो भारत के कानून से बच निकला है। लेकिन उसके और बुरे दिनों की अब शुरुआत हो चुकी है। भगोड़ा अरबपति हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका आइलैंड में पुलिस की हिरासत में है। बेहद शातिर, चालाक और बेहद फरेबी मेहुल चौकसी एंटीगा आइलैंड में नागरिकता लेकर रह रहा था। पिछले कुछ दिनों के दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में एंटीगा से निकलकर अवैध तरीके से डोमिनिका पहुंचा था। लेकिन चौकसी को भनक तक नहीं लगी कि वो रॉ के रडार पर है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका के साथ रोमांटिक डिनर के लिए डोमिनिका आइलैंड पे गया था, जो कि एंटीगा के पास ही है और ये 72,000 आबादी वाला आइलैंड है। वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एंटीगा की मीडिया ने मेहुल चौकसी के वकीलों के हवाले से दावा किया है कि जालसाज चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड बबारा से मिलने के लिए आया था। मिलने के वक्त और रेस्टोरेंट को भी तय किया हुआ था, सीटें भी बुक थी, लेकिन इससे पहले कि अपनी माशुका से मेहुल चौकसी मिल पाता, उसका अपहरण हो गया। मेहुल के वकील इस पूरे घटनाक्रम को किडनैपिंग बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक भगोड़ा चौकसी डोमिनिका से भागकर क्यूबा जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस बीच डोमिनिका की पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब मेहुल चौकसी वहां की जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि चौकसी की गिरफ्तारी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियां बहुत पहले से ही प्लान बना चुकी थी। उसकी हर एक हरकत पर भारत का सबसे तेज तर्रार अफसर बारीकी से नजर रख रहा था। कौन है वो अफसर, आपको वीडियो के हिस्से में बताएंगे, लेकिन अगर आप उसका नाम सोच रहे हैं तो आपको उसे पहचानने के लिए एक क्लू भी दे देते हैं। ये वही ऑफिसर है जिसका नाम सुनते ही हूजी जैसे आतंकी संगठनों के पसीने छूट जाते हैं, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान तौबा तौबा चिल्लाने लगता है। ये वही ऑफिसर है जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान किया था। तो एंटीगा की नागरिकता लेने वाले चौकसी भारत में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करके भारतीय खुफिया एजेंसियों को ठेंगा दिखाने की फिराक में था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड बबारा के चक्कर में वो फंदे में आ गया है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को 26 फरवरी को डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही वो डोमिनिका में मौजूद है। सोमवार को उसका कोरोना टेस्ट किया गया और रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। इस दौरान मेहुल चौकसी के वकीलों ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप ये हैं कि चौकसी को डोमिनिका की पुलिस ने जमकर पीटा है। इन आरोपों के प्रमाण के तौर पर चौकसी के वकीलों ने भगोड़े कारोबारी के शरीर पर चोटों के निशान की तस्वीरें जारी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डोमिनिका में ही चौकसी को हिरासत में क्यों लिया गया, इसके पीछे भी बड़ा खेल है जिसकी भनक तक चौकसी को नहीं लग पाई। दरअसल जिस देश एंटीगा की नागरिकता चौकसी ने ली थी, वो देश लगातार अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों के बूते ही चलता है। चौकसी भी ऐसे ही धन्ना सेठों में से एक था, लेकिन भारत के साथ एंटीगा की प्रत्यर्पण संधि है। बड़े निवेश के एवज में एंटीगा ने चौकसी को अपनी नागरिकता तो दे दी, लेकिन वो भारत की खुफिया एजेंसी रो से पंगा नहीं लेना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि एंटीगा पर चौकसी को शरण देने के कारण भारत की ओर से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन एंटीगा अगर चौकसी को भारत को सौंप देता तो वहां की प्रभावशाली बिजनेस लॉबी नाराज हो जाती, जो एंटीगा की फाइनेंशियल सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन इस बीच चौकसी ने इधर डोमिनिका आइलैंड में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया, तो उधर एंटीगा ने रोके अधिकारियों को खबर कर दी।
अब चूंकि चोकसी नहीं चाहता था कि उसे एंटीगा से डोमिनिका जाने की बात कहीं पे लीक हो, लेकिन उसने बेहद गुपचुप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात रो को पता थी। रो ने डोमिनिका पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। पूरे एपिसोड में एंटीगा भी अपने यहाँ नागरिकता पाने वाले शख्स को गिरफ्तार कराने के कलंक से बच गया और भारत से उसके रिश्ते भी खराब नहीं हुए। तो अब वो वक्त आ गया है कि आपको बता दें कि भारत की ओर से एंटीगा में कौन सा अधिकारी चौकसी का हिसाब क्लियर करने का दबाव बढ़ा रहा था। वो अधिकारी हैं एनएसए अजीत डोवल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत की सीबीआई के वरिष्ठ सूत्रों की अगर माने तो मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है, वो भी तब जबकि डोमिनिका के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके भारत की खुफिया एजेंसियों का ब्रेन सीबीआई और आईबी समेत तमाम खुफिया एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को मिशन मोड पर अंजाम देने में जुटी हैं और यही कारण है कि 26 मई को गिरफ्तारी के पांचवें दिन ही मेहुल को भारत लाने के लिए एक विशेष विमान डोमिनिका भेज दिया गया। कतर एयरवेज के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के A7CEE क्लास के विशेष विमान को भारत सरकार ने किराए पर लिया है। इस विमान ने 28 मई को दिल्ली से उड़ान भरी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस विमान में भारतीय एजेंसी के 6 लोग समेत 2 कमांडो की टीम डोमिनिका आइलैंड पहुंच चुकी है। भारतीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई के 2 अधिकारी और ईडी के 2 अधिकारियों समेत विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारी इस विमान में सवार थे। दोस्तों, इसके साथ ही इस दौरान मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण हो सके तो इसके लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2 कमांडोज को भी इस विमान में लेकर टीम डोमिनिका आइलैंड गई हुई है। तमाम कानूनी अड़चनों से सामना करने और विदेश से प्रत्यर्पण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस टीम को विदेश भेजा गया है। मेहुल की गिरफ्तारी के इस पूरे चक्रव्यूह को रचने के लिए सीबीआई की टीम ने स्ट्रेटजी बनाई। इस विशेष ऑपरेशन के लिए सीबीआई की टीम इंटरपोल और भारत विदेश मंत्रालय समेत खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की अगर हम माने तो चौकसी को डोमिनिका से भारत में लाने में ज्यादा वक्त अब नहीं लगने वाला है। दोस्तों, यहां पर आपको एक और बड़ी बात बता दें कि सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल खुद कुछ सालों पहले भारत की खुफिया एजेंसी रो में काम कर चुके हैं और यही कारण है कि ऐसे ऑपरेशंस में रो एजेंट का दिमाग काम कर रहा है, जो कि ऐसे भगोड़े अपराधियों के हर दांव-पेंच को बखूबी जानते हैं। इसके साथ ही उन्हें इसका तोड़ निकालना भी अच्छी तरह से आता है। दोस्तों, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो इस ऑपरेशन में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का गुप्त ऑपरेशन भी पिछले कुछ वक्त से चल रहा था। इसी का तकाजा है कि सुबोध कुमार जायसवाल के निदेशक बनते ही इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में देरी नहीं की गई, क्योंकि दोस्तों यही वो अपराधी थे जिनकी वजह से मोदी सरकार पर बड़े डेंट लगे हैं, जिनको साफ करने की जिम्मेदारी भी अजीत डोवल पर भी है। दोस्तों, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को 26 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही वो डोमिनिका में मौजूद हैं। सोमवार को उनका कोरोना टेस्ट किया गया और नेगेटिव मिलने पर उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। वहीं चौकसी के वकीलों ने भगोड़े अपराधी के शरीर पर मिले चोट के निशानों को लेकर की बड़ा दावा किया है। मेहुल चौकसी के वकीलों का कहना है कि उनके मुवक्किल के शरीर पर इस तरह के चोट के निशान हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देने से आए हैं। चौकसी के शरीर पर चोट के निशानों की कई तस्वीरों को जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रो के इंस्ट्रक्शंस के बाद ही डोमिनिका की पुलिस ऑफिसर्स ने चौकसी की जमकर खातिरदारी की है। ये निशान भी उसी के हैं, भारत से गद्दारी के हैं। इससे पहले भी चौकसी के वकील वैन मार्श ने भगोड़े कारोबारी को पीटे जाने का आरोप लगाया था। मार्श ने कहा था कि मेहुल को पीटा गया था और उसकी आंखें सूजी हुई थी। इसके अलावा शरीर पर कई जगह जलने के निशान भी देखने को मिले थे। मार्श ने चौकसी से मुलाकात नहीं करने देने का आरोप भी लगाया। चौकसी की लीगल टीम के एक और वकील विजय अग्रवाल ने भी मेहुल चौकसी के शरीर पर मिले चोट के मामले में कुछ गड़बड़ होने का इशारा कर रहे हैं। दूसरी ओर चौकसी के वकील डोमिनिकन कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उन्हें भगोड़े कारोबारी की तरफ से अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।
वकीलों का आरोप है कि चोकसी को पुलिस ने अगवा किया था, लेकिन एंटीगा पुलिस ने इस तरह के दावों को नकार दिया है। दोस्तों, अब उम्मीद की जा रही है कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत की इकोनॉमी के इस सबसे बड़े गद्दार के गुनाहों का पूरा हिसाब भारत में हो सकेगा। लेकिन इसमें भारत की खुफिया एजेंसियां जिस कदर अपना योगदान दे रही हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अंदर खाने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ये कह रही हैं कि जिस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ये मेहुल चौक से आया है वो फिलहाल एक रॉ एजेंट्स के तौर पर ही काम कर रही है। हालांकि इसकी पूरी सच्चाई कभी बाहर नहीं आने वाली।